हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं हूँ सीमा और मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी जिसका यूज़ करके आपको अपनी बॉडी पे साबुन सोप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी से ड्राइनेस, टैनिंग सब खत्म हो जाएगी। और जो मेरी वीडियो जो भी होती है उसके अंदर रेमेडी होती है वो मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। उसके अंदर जो हमें रेमेडी है उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है खाली बाउल और इसके बाद हमें लेनी है फेटी हुई दही। दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा उसके अंदर पानी डाल लेना है इस तरीके से। ये आपने लेनी है 3 चम्मच। और इसके बाद जो हमारी दूसरी चीज़ यानी कि हमारा दूसरा इन्ग्रीडियंट है वो है हमारा नींबू लेमन। वो हमने आधा नींबू लेना है और इस तरीके से इसका सारा रस इसमें निचोड़ देना है इस तरीके से, क्योंकि जो नींबू होता है एंटी एजिंग का काम करता है, टैनिंग को ख़त्म करता है, स्किन को हील और रिपेयर करता है जिससे स्किन पर ग्लो आता है। और जो दही है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, उसके अंदर विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है, स्किन को गोरा करने का काम करती है, टैनिंग हटाती है। और इसके बाद गाइस जो हमारी तीसरी और आखिरी चीज़ है, तो गाइस इसके ये दो चीज़ें हो गई हैं इंग्रेडिएंट जो थे, और इसके बाद जो हमारा तीसरा और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वही ले सकते हैं। मैं पेंटिन यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने पेंटिन लेना है। ये शैम्पू आपने लेना है आधी चम्मच से भी कम यानी कि 1/4, और इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस रेमेडी को आपको अपने फेस पर यूज़ नहीं करना है बल्कि बॉडी पे यूज़ करना है पूरी पे। किस तरीके से यूज़ करना है नहाने से पहले मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस जो हमारी रेमेडी है आज की वो बनकर तैयार हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि शैम्पू को बॉडी पर कैसे यूज़ करते हैं, ये तो हार्मफुल होता है। तो गाइस जो शैम्पू होता है अगर हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो वो हार्मफुल नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें कैटोजोल होता है जो हमारी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है, हमारी बॉडी से एकदम से टैनिंग को ख़त्म कर देता है। इस तरीके से आपको डेली नहाना है और मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है। इस तरीके से आपको ये अपने हाथ में लेना है और पूरी बॉडी पर आपने इस तरीके से मसाज करनी है। ये मसाज आपने सिर्फ 2 से 4 मिनट करनी है इस तरीके से हाथों से, और 2 से 4 मिनट मसाज करने के बाद आप इसको 5 मिनट छोड़ देंगे और आप बिना साबुन के, क्योंकि साबुन तो यूज़ करना ही नहीं है, ये साबुन से भी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। और इस तरीके से आपको अपनी पूरी बॉडी पर इसको लगाना है, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से जैसे ठंडे से आप नहाते हैं नहा लेना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। आपको कम से कम गाइज 1 हफ्ते तक ऐसा ज़रूर करना है। 1 हफ्ते तक करेंगे आपकी सारी टैनिंग ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद आपको इसे हफ्ते में 1 बार ज़रूर यूज़ करना है इस तरीके से। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आपने देखा आज की वीडियो के अंदर जो रेमेडी है उसको बनाना और अप्लाई करना कितना ईजी है। आपको भी ऐसे ही बनाना और ऐसे ही अप्लाई करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।